पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनके जन्म स्थान को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। एक तार्किक विद्रोही विद्वान के जन्म स्थान तक पर ही विवाद हो गया, यानी हम निकलना चाहते थे आर्यभट्ट की खोज में। इतने महान खगोलविद के जीवन विकारियों के साथ जमकर छेड़खानी की गई। आर्यभट्ट यहीं से थे, पूरा जो जिसके वो चर्चा करते हैं। आर्यभट्ट अशोक राजपथ के पास एक झोपड़ी में रहकर बच्चे बच्चे की जुबान पर आर्यभट्ट का नाम है। यही बिहार जन्म स्थल है। यहाँ के कण कण में आर्यभट्ट की आत्मा बसी है। खगोल के खगोल होने का आखिर कोई तो रहस्य अवश्य होगा। खगोल शास्त्री का जन्म स्थान माना जाता है, यहाँ वेदशाला भी यहाँ माना जाता है आर्यभट्ट। We just want to know something about Aryabhatta from you. Perhaps he belonged or not belonged here, but his field of work was this place. हमारे दिमाग में कुतूहल पैदा हो गया चक्रदाह को करीब से देखने का। पहेलियां कभी पहेलियों से हल नहीं होती, तो लगा कि कुसुमपुर मिल गया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा वहाँ का हाल बयान करने को आतुर था। क्या कुसुमपुरा जो है वो पटना का ही एक दूसरा नाम है? खंडर बता रहे थे कि इमारत बहुत बुलंद थी। आम्रपाली की रूह आज भी जिंदा है इस पेड़ में। हमारी मंजिल इसी जगह पर है। ये जगह न तो कुसुमपुर थी और न ही वहाँ कभी आर्यभट्ट रहते थे। खोज अभी बाकी थी और शोध अभी जारी था। उनसे संबंधित कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिल रहा था। फुलवारी शरीफ का कोई न कोई हिंदी या संस्कृत नाम अवश्य रहा होगा। फुलवारी नाम जो है वह डिराइव भी लगता है कुसुमपुर से। होने हो कुसुमपुर कहीं खगोल के आसपास ही होना चाहिए। सभी ज्ञान विज्ञान के केंद्र समाप्त होते चले गए। कुसुमपुर का नाम बदलकर फुलवारी शरीफ कर दिया होगा। से झेल कर निकल गए तो दूर न मंजिल पाओगे। गले सफलता आ लपटेगी, दो पग और बढ़ाओगे। रुके प्रतिज्ञा टूट गई तो तिल तिल कर जलना होगा। जीवन के इस कठिन पंथ में सोच समझ कर चलना होगा।